औरैया के फफूम क्षेत्र में नाबालिग को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी राजेंद्र सिंह को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 20 वर्ष कैद 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा व अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि एक डेरा निवासी पीड़ित की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 फरवरी 2018 को रामपुर डेरा बंजारन थाना हसायन जिला हाथरस निवासी राजेंद्र सिंह 14 वर्षीय किशोरी को ले गया था, उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ नाबालिग को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चला। दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा व अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। हम इस शानदार फैसले का स्वागत करते हैं और हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि दोषी के प्रति कोई रहम न बरता जाए।